नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जब आपको संतान प्राप्त होने वाली होती है तो आपको ये संकेत मिलते हैं। सपनों के माध्यम से आपको ये संकेत दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं, संतान प्राप्त होने से पहले आपको कौन से संकेत मिलते हैं। नंबर एक, सपने में यदि आप छोटे बच्चे को बार बार देखती हैं या फिर बच्चों को खेलते हुए देखती, बच्चों को अपनी गोद में लेते हुए देखती है, तो ये सपना आपके जीवन में जल्द ही आपके जीवन में संतान प्राप्त होने का संकेत माना जाता है। नंबर दो, सपने में यदि आप आम से लदा हुआ पेड़ देखती हैं, तो ये सपना भी आपके जीवन में जल्द ही संतान प्राप्त होने का संकेत देता है। नंबर तीन, सपने में यदि कोई महिला खुद को फल खाते हुए देखती है, इसका मतलब होता है कि जल्द ही आपको संतान प्राप्त होने वाली है। नंबर चार, सपने में बार बार सांप का दिखना भी संतान प्राप्त होने का इशारा होता है। नंबर पांच, सपने में यदि आप अनार का पेड़ देखती हैं या फिर पेड़ में अनार लगे हुए देखती हैं, तो ये सपना भी आपके जीवन में जल्द ही संतान प्राप्त होने का संकेत देता है ये सपना। नंबर छह, सपने में यदि कोई महिला खुद को आईने में देखती है, तो ये सपना भी आपके जीवन में जल्द ही संतान प्राप्त होने का संकेत देता है। नंबर सात, यदि आप खुद के बड़े नाखून देखती हैं, इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में जल्द ही आपको संतान प्राप्त होने वाली है। नंबर आठ, सपने में हरे भरे खेत का दिखाई देना, खेत में फल फूल लगे हुए दिखाई देने का मतलब भी आपके जीवन में जल्द ही संतान प्राप्त होने का इशारा होता है। नंबर नौ, सपने में यदि कोई महिला फल की टोकरी अपनी गोद में लेते हुए देखती है या फिर बहुत सारे फल देखती है, तो ये सपना भी आपके जीवन में जल्द ही संतान प्राप्त होने का संकेत माना जाता है। नंबर दस, यदि आप सपने में खुद को इमली खाते हुए देखती है, तो ये सपना भी आपको संकेत देता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में जल्द ही संतान आने वाली है, आपके घर में बच्चे का जन्म होने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ संकेत हैं जो आपको संतान प्राप्त होने से पहले मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।